नमस्कार छात्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा एक ही शब्द को देवनागरी लिपि और रोमन लिपि में कैसे लिखा जाता है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिप्यंतरण और अनुवाद के बारे में। क्या होता है लिप्यंतरण, चलिए समझते हैं। किसी भी भाषा के शब्द को उसी के उच्चारण के अनुसार किसी और लिपि में लिखना लिप्यंतरण कहलाता है। इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। अभी मैं एक शब्द लिख रही हूँ। शब्द है घर। यह शब्द मैंने कौन सी लिपि में लिखा है? सही पहचाना, यह शब्द लिखा गया है देवनागरी लिपि में। इसी शब्द को अगर मुझे रोमन लिपि में लिखना है तो मैं उसे लिखूंगी GHAR, घर। ध्यान से देखिए, दोनों शब्द एक ही है मगर लिखे अलग अलग लिपि में है। पहला शब्द लिखा गया है देवनागरी लिपि में और दूसरा शब्द लिखा गया है रोमन लिपि में। इसी को कहते हैं लिप्यंतरण। चलिए कुछ और उदाहरणों की मदद से समझते हैं लिप्यंतरण। मैदान, यह देवनागरी लिपि में लिखा गया शब्द है। इसे मैं रोमन लिपि में कुछ इस तरह लिखूंगी। रंग, यह देवनागरी लिपि में लिखा गया शब्द रोमन लिपि में कुछ इस तरह लिखा जाता है। अब देखते हैं वी स्कूल, इसे देवनागरी लिपि और रोमन लिपि में कैसे लिखते हैं। देवनागरी लिपि में वी स्कूल, यह शब्द कुछ इस तरह लिखते हैं। इसी शब्द को रोमन लिपि में लिखते हैं इस तरह। दोनों शब्द एक ही है बस इनकी लिपियां अलग अलग है। इसी को कहते हैं लिप्यंतरण। आसान भाषा में लिपि में रूपांतर मतलब लिप्यंतरण। चलिए कुछ वाक्य की मदद से समझते हैं लिप्यंतरण क्या होता है। वीडियो में हम एक वाक्य देख सकते हैं। देवनागरी लिपि में लिखा गया वाक्य है, यह मेरा घर है। इसी वाक्य को अगर मैं लिप्यंतरित करके रोमन लिपि में लिखना चाहूँ तो वह कुछ इस तरह दिखेगा, यह मेरा घर है। यह था लिप्यंतरण। अब हम पढ़ते हैं अनुवाद के बारे में। क्या होता है अनुवाद? किसी भी भाषा के शब्द को अन्य भाषा में लिखने को अनुवाद कहते हैं। जैसे गाय, यह हिंदी भाषा का शब्द है। इसी शब्द को अंग्रेजी भाषा में काऊ कहते हैं। गाय, यह शब्द देवनागरी लिपि में लिखा गया है और काऊ, यह शब्द रोमन लिपि में लिखा गया है। लेकिन इन दोनों की भाषा भी अलग है। यह हिंदी भाषा में लिखा गया है और काऊ, यह शब्द अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। चलिए एक रंग की मदद से समझते हैं अनुवाद क्या होता है। हरा रंग, यह शब्द हिंदी भाषा में ऐसे लिखते हैं। इसी को अनुवादित करते हुए अंग्रेजी भाषा में ग्रीन कलर, इस तरह लिखा जाता है। इसी शब्द को अगर मुझे मराठी भाषा में अनुवादित करना है तो मैं उसे कुछ इस तरह लिखूंगी। हरे को मराठी में कहते हैं हिरवा और रंग को मराठी में भी रंग ऐसे ही कहते हैं। बारिश का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होता है रेन। बक्सा, इस हिंदी भाषा के शब्द का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होता है बॉक्स। घर, इस हिंदी भाषा के शब्द का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होता है होम। यह तो हमने पढ़ा शब्दों को अनुवादित कैसे करते हैं इसके बारे में। अब हम कुछ वाक्यों की मदद से समझते हैं अनुवाद क्या होता है। वाक्य है, यह मेरा घर है। यह वाक्य हिंदी भाषा में लिखा गया है। अब हम इस वाक्य को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित करेंगे। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद होगा, दिस इज माई होम। चलिए एक और वाक्य की मदद से अनुवाद समझते हैं। हिंदी भाषा में दिया गया वाक्य है, आज मेरा जन्मदिन है। इसी वाक्य को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित करते हुए हम लिखेंगे, टुडे इज माई बर्थडे।
तो इस तरह हमने लिप्यंतरण और अनुवाद क्या होता है यह समझा। धन्यवाद।